मजा भी नहीं आया और समझ भी नहीं आई, लेकिन हम वापस आ गए हैं। वेलकम बैक खवातीनों जरात, निके निके बलूंगड़ो और बड़े बड़े बाबे जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। जनाब बैठ जाए, मैं कहीं नहीं जा रहा, एक घंटा सुकून से गुजरने वाला है। तो सुनाओ फिर चैनल का टीवी किस तरह चल रहा है, चलें मिट्टी पाओ इस गल से। बाकायदा प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं और अब मेरे साथ आज भरा पड़ा मेरा सेट माशाल्लाह, बल्कि ज़्यादा भरा पड़ा है, नहीं भरा पड़ा, लेकिन आज बड़े सारे मेरे मेहमान मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए और दो यंगस्टर सिंगर्स हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें, और एक तो समीर भाई हमारे हैं, उन्होंने तो साड़ी जान ही हौली कर देती सी। आज जो भी तशरीफ़ ले आए ने उनका बारी बारी तारुफ कराएंगे, और एक अदद इवेंट मैनेजर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, उनका भी आपसे तारुफ करवाएंगे। तो डायरेक्टली हम चले जाते हैं। आज मैं ज़रा बातें कम करूँगा क्योंकि एक घंटे में तीन लोगों का इंटरव्यू करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं जी, हमारे साथ लेडी हैं जनाब, और ये हैं जनाब इनका नाम, ये मैंने लिखा हुआ इसलिए कि आज तीन अफराद हैं और मैं लाइव प्रोग्राम में भूल ना जाऊँ। तो कहकशां नसीर इवेंट मैनेजर हैं, वार्म वेलकम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और एटमॉस्फेयर से वाबस्ता हो गई हैं? अच्छी खासी। अच्छा, अब सब ओके है? बिल्कुल सब ठीक। नर्वस ब्रेकडाउन ओके है? नहीं, वो बिल्कुल भी ओके, वो भी ओके नहीं है, वैसा ऐसा ओके होगा, ठीक है। और उनसे आगे जनाब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अदनान गिल, अस्सलाम वालेकुम, माइक में ज़रा बात कीजिएगा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपको खुश आमदेद कहते हैं जी सोनी धरती के सेट पे, और बड़ी मोहब्बत आप ऑल द वे ट्रैवल कर आए हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ जनाब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फाहद जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फाहद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ, और फाहद भाई का कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए ज़्यादा मुझे ऊपर लग रहा है कि वो जो दो वीडियोज़ चल रही हैं और जो एक्टिंग की है आपने उसमें, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपको देख के और बढ़ेगा। तो अब देखें आगे क्या होगा, यानी कास्ट हो जाऊंगी मैं, हो जाऊंगा मैं। ये तारीफ तो दो लफ्जों में होती है, आप किसमें कास्ट होने की बात? यार कहीं कर दो बस, इस बारे में बात मैं ले जाओ, सोचेंगे जरूर इस बारे में बात। अच्छा चले ठीक है। अच्छा आपसे शुरू करते हैं फाद भाई, ये बताइए कि कैसे मौसीकी में इंटरेस्ट कैसे हुई है? इंटरेस्ट ऐसे था कि जब मैंने अपना मैट्रिक क्लियर किया था, तो उसके बाद ये तकरीबन मेरा ख्याल है 6 साल पहले की बात है, जो हमारे मुल्क एक बहुत नामवर सिंगर हैं जो आतिफ असलम जिनका नाम है, तो उनका एक गाना आया था आदत, आदत। तो जब उनका गाना मैंने सुना तो उनको देख के मुझ में थोड़ी सी, मैंने कहा चलो यार मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, अगर मैं गाऊँ तो मैं ज़रा घबरा गया, मैं कहा उनकी आदत सुन के सब जवान मुंडियाँ की आदतें बिगड़ गई ने। नहीं बिगड़ी तो मेरी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि फिर मैंने देख के गाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता गाते गाते कुछ इवेंट्स में गया, कुछ कॉम्पिटिशन्स में गया, तो जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यार अपना ही अब काम शुरू कर लिया जाए, किसी के पास काम करने से बेहतर अपना काम कर लिया जाए। तो ये जो आपने किसी मुकाबले वगैरह में हिस्सा लिया? मुकाबले में तो ऐसा सच नहीं लिया, लेकिन ये है कि इवेंट्स मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं, ठीक है। और अभी लास्ट जो सर क्षेत्र हुआ था, हाँ, उसमें भी था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ पे आगे तक नहीं जा सका था। उसकी वजह बतानी पड़ेगी? उसकी वजह ये थी कि छुपाना मत, मुझे सारा रजा ने भी कुछ बताया लेकिन मैं नहीं बता रहा, बस यही समझ लो यार कि शायद उन्हें मैं पसंद नहीं आया था, ये शायद मुझ में तब वो क्वालिटी नहीं थी। अच्छा? यही कह सकते हैं, ये बड़ा आर्टिस्टिक जवाब है। नहीं वो जाहिर बात है, अगर इस सीट पे हूँ तो आर्टिस्टिक जवाब देना पड़ेगा, तो बस यही है। चल ठीक हो गया जी, मान लेते हैं, वैसे मुझे इस पे डाउट है क्योंकि जहाँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारे खास राय थे, उन्होंने बताया था कि मामला कुछ और थे, आप मुझे बता सकते हैं कैसे मामला बताएंगे? मामला तो आपको चलिए ठीक है, चल रही है इसमें बताएंगे। अच्छा गिल भाई सर, आप ऑस्ट्रेलिया में वो एक अवार्ड आपको मिला, और वो अवार्ड आपको एक बड़े फेमस सिंगर हैं इंडिया के, सोनू निगम ने दिया, तो उनसे अवार्ड लेना ये कोई आसान काम नहीं है। क्या था वो इवेंट, कैसे वहाँ तक पहुँचे, कितने लोग पार्टिसिपेट करे थे, उसकी कुछ हमें तफसील बताइए। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई रियली थैंक्स टू सोनी धरती के जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज यहाँ पर आऊँ और आप मैं अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाऊँ। वो एक प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में था, टैलेंट हंट के नाम से, ठीक है। उस प्रोग्राम में पूरे ऑस्ट्रेलिया से जो पार्टिसिपेंट थे वो आए, और मैं अकेला पाकिस्तानी था। अच्छा। और सब बहुत अच्छे थे, उसमें मैंने परफॉर्म किया, पहले तो मैं इस प्रोग्राम में था ही नहीं, मुझे किसी ने बोला गया कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें क्योंकि आप की अच्छी आवाज़ है, उनको लगती होगी, तो फिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, फिर फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड हुआ, ऐसे ही चलता गया,
तो उसके बाद फिर ये प्रोग्राम मैंने विन किया जिसमें मुझे सोनू निगम जी ने बेस्ट सिंगर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड दिया। माशाल्लाह, दैट्स गुड यार। तो और अब आगे क्या ख्वाहिशात हैं? कॉन्फिडेंस तो बहुत मिल गया होगा कि पहला ही जो ब्रेक मिला है वो इतना ज़बरदस्त है। कॉन्फिडेंस तो पहले से भी था क्योंकि मैं बचपन से ही म्यूज़िक में हूँ। मेरे जो भाई हैं बड़े वो गुलाम बा साहब के शागिर्द हैं और उनको सुन सुन के खान साहब भी घर आते थे, तो देख के शुरू से ही अच्छा म्यूज़िक सुना तो वो एक फील बन जाती है। यानी बोलने से आवाज़ की बेस का अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा अच्छा, कह के शाम ये मैंने और बेस में बोला। आप बड़ी खामोश बैठी हैं, ये बताइए कि ये सबसे मुश्किल काम है शोबिज़ का, ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, इवेंट को मैनेज करना, क्योंकि तमाम तर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं खाँ वो इंडोर हों आउटडोर हों उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब हम शो स्टार्ट कर रहे थे तो इससे पहले मैनेजमेंट की दौड़ें लगी हुई थी, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। ये शोभा क्यों चुन लिया आपने? जिस जो चीज़ इंसान को पसंद होती है ना, वो चाहे कितनी भी मुश्किल हो वो मुश्किल नहीं लगती। तो मेरे ख्याल में मेरा इंटरेस्ट इसमें था, तो जिस काम में इंटरेस्ट हो वो आसान ही हो जाता है। तो कोई बाकायदा इसके लिए डिग्री ली है, कोई तालीम हासिल की है? नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशन वो टोटली डिफरेंट है इस फील्ड से। बस इंटरेस्ट की वजह से मैं इसमें आ गई थी। स्टार्ट में फ्रेंड्स के साथ शुरू किया और अभी भी फ्रेंड्स के साथ कर रही हूँ मिलके, और अच्छा है। पहला इवेंट कौन सा किया आपने या कब किया, चलें ये बता कितने साल पहले? पहला इवेंट एक फैशन शो था, वो किया था, और आज से 2-3 साल पहले। फैशन इंडस्ट्री ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की की है पाकिस्तान में पिछले 8-9 सालों से, और मुशर्रफ साहब ने बड़ी मेहरबानी की है उसमें। तो क्या समझती हैं क्यों इतनी तरक्की फैशन में क्यों हुई, बाकी चीज़ों में इतनी नहीं हुई, फैशन में इतनी तरक्की क्यों? तो लोग बहुत फैशनेबल हो गए। हाँ, मेरे ख्याल में वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, जो भी टेंशन है उसको रिलीज़ करने के लिए, फिर वो जब खुद को एटलीस्ट वो मेंटेन कर लेते हैं, खुद अच्छा दिखते हैं, तो वो कहीं एक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन इंसान के पास रह गई कि वो खुद को बेहतर कर सके। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन इशारे करता मुझे गलत वाले? एपन एनु मारो। अच्छा, जो कह रही जी सिंगिंग, अच्छा कह रहे जी गाने की तरफ चलते हैं, टाइम थोड़ा कम है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में फाज भाई आपसे, अच्छा नहीं इनसे, गिल साहब से, तो क्या सुना रहे हैं सबसे पहले? मैं आपको, मैंने अभी एक रिकॉर्ड करवाया, ट्रिब्यूट दिया है रेशमा जी को, उनका एक सॉन्ग है लंबी जुदाई, मुझे बहुत पसंद है। और वो कुछ दिनों तक के कुछ महीने तक ये रिलीज भी होगा और आप सब इसे चैनल पे भी देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, जरूर। बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे, इस हाल में बरसों चार दिन दा प्यार रहा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, चार दिन दा प्यार रवा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, हो तो आई मेरी दुहाई, प्यार रवा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजल मेरे पास नहीं है, दूजी मिलन दी कोई पास नहीं है, एक तो सजल मेरे
नहीं है, दूजी मिलन दी कोई आस नहीं है, दूजी मिलन दी कोई आस नहीं है। उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई लंबी जुदाई, चार दिन प्यार दबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई मेरी जान दुहाई, क्या बात है अदनान भाई, थैंक यू, बहुत खूब। चार दिन का प्यार फिर लंबी जुदाई, और अगर इस काम से फड़े जाओ फिर बहुत होंगी है तुलाई। हाय हाय हाय, ये भी एक बड़ा रोला है ना जी। बिल्कुल है, ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ, ये काम बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता, शुक्र है वो कैफे बंद हो गए ने, जुदाई और कमाई दोनों। हाय 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 हाय, क्या मेरी वाली सोच रखी है आपने, आप भी इधर ही रहेंगे, तरक्की नहीं होगी। मत सोचें इस बारे में, कमाई के बारे में मैंने बहुत सोचा है लेकिन तरक्की हमारी नहीं होती। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये बताए यार कि बकायदा कोई तालीम हासिल कर रहे हो इसकी, कुछ सीख रहे हो, क्या करते हो? हाँ जी, वैसे तो कैसे आवाज़ में सीखता तो मैं सबसे हूँ, जो सॉन्ग जो भी गाने वाले हैं उन सबसे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही जाता, पर प्रॉपर अब मैं हमारे मुल्क के नाव बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं श्याम चुरासी घराने से, शफकत सलामत अली खान साहब, हाँ हाँ, उनसे मैं प्रॉपरली अब सीख रहा हूँ। वाह, म्यूज़िक उनसे सीखना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है फाद भाई, कुछ घर से कभी कोई रोक टोक होता है ना, जब एक गैंगस्टर पढ़ रहा होता है और वो अर्लियर सेकंड ईयर में ही फर्स्ट ईयर में चला जाता है म्यूज़िक की तरफ, मौको मॉडल लाया तो कुछ ऑफिस में, तो अब्बा बहुत नाराज़ होते हैं कि यार है वो कम में गया करने वाला, तू कि कमाई पै गए है, कोई ऐसी गल नहीं। उस वक्त जो थे वो मेरे डैड जो थे वो इस दुनिया से जा चुके थे, तो लेकिन ये है कि मेरे घर पे मुझे जो रोकते थे, जो अभी तक रोकते हैं, वो मेरी नानी माँ गाने से। बिल्कुल, वो कहती है कि तुम मतलब अभी पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, उसके बाद इस काम को करो। लेकिन मेरा शौक है, पहले मुझे भाई भी थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इसको पसंद किया जा रहा है और ये अच्छा गा रहा है, तो फिर वो मेरे मतलब सपोर्ट करना शुरू कर दी। लेकिन नानी माँ अभी तक वैसी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने थ्रू के अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है ना देख रही हैं अभी, मेरा ख्याल है वो देख रही होंगी। मोहतरम नानी अम्मा जी, हुण कदी भी तुसी इहनू रोकना नहीं है, जुत्ती ला लैनी है तो वाहवा फेंडा लाना इहनू, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो फिर है काम खराब होएगा। यह तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी बहुत दे दिया करें छूट, क्योंकि आजकल के न्याणों को अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती ना तो फिर काम बहुत पीछे रह जाएगा, और फिर हम रोते हैं बैठ कर अपनी इंडस्ट्री को, ये बड़ा एक मसला है। फिर हम अपनी इंडस्ट्री को बैठ कर रोते हैं कि जी वो देखें, और मुकाबला करने चले जाते हैं हम उस मुल्क से जिसके पास जनाब, वो कहते हैं उनके पास टैलेंट बहुत है, तो भाई हमारे पास टैलेंट उनसे भी ज़्यादा है, मगर उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई कुछ सर पे हाथ नहीं मिल रहा है कि वो कुछ आगे जाएं, इसी तरह है ना सर। अच्छा खुद भी कभी मॉडलिंग का शौक हुआ? नहीं कभी भी नहीं। क्यों? एटलीस्ट इस तरह से तो कभी भी नहीं। मेरा छोटा सवाल सी तो पहले वाला मेरा सवाल सी ख़राब कर देता है इन्होंने, आपने खुद ही जवाब दे दिया। अच्छा चले छोड़े इसको, बेटी डालते हैं जी अगली बात कर लेते हैं। क्यों नहीं है ये, अगर चले ऐसा ना होता तो फिर आप मॉडलिंग करती? नहीं फिर भी नहीं करती। फैशन में किस हद तक इन्वॉल्व है, अपने साथ फैशन को फॉलो कैसे करती है? लाइक खुद पहनने की हद तक, दूसरों को सजेस्ट करना कि क्या उन पे ज़्यादा सूट करेगा, उस हद तक हूँ, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा है कि मैं खुद रैंप पे चलूँगी और कैटवॉक करूँगी। हो जाता है ये मैनेजमेंट करना जब इवेंट के अंदर कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए, सिंगल टाइम पे नहीं आया हुआ आपका, लाइट रेडी नहीं है, तो वो फिर गुस्सा जो है वो सिर्फ अपनी आवाम पे निकलता है जहाँ पे मौजूद होते हैं। हाँ गुस्सा उन पे ही निकलता है जिनका पता होता है कि आगे से बोलेंगे नहीं, जो बर्दाश्त कर लेंगे। बोलते हैं ऐसे लोग आगे से?
हाँ कुछ लोग तो बोल जाते हैं, अगर गलत जगह पे गुस्सा निकालेंगे तो लोग बोलेंगे। ठीक हो गया, तो अब टाइम कम है जी, और मुझे बार बार कहा जा रहा है कि जनाब नेक्स्ट सॉन्ग, अब अदनान साहब ने तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत, तो अब जनाब फहद जावेद भाई आपके ऊपर तमाम तर नजरें हैं, क्या सुना रहे हैं, कैसे मैं जो है वो कदी आमल शामिल यार में उसे स्टार्ट करेंगे, उसे स्टार्ट करूंगा जी जरूर। अदनान भाई ने तो बहुत अच्छा गाया, मैं भी थोड़ी सी कोशिश करना चाहूंगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नहीं नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गम वाला चरखा ते दुखां दियां पूनियां, हाय मैं जूं जूं कत्ती जवानी होन पया दो कत सकदी ना कत सकदी कत सकदी ना बनलिए कुड़िए कि तेरी पूनिया दी परी हुई चंगे सा बसो हमारी नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखला मोहे सुंदर मुख दिखला 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 इशारे में ओ कदिया मेरे सांवरे
यार वे बहुत खूब, बहुत खूब। और यार इसका आज के एपिसोड का टाइम बढ़ा दो जरा, ये 2 घंटे की एपिसोड कर लेते हैं, जितने दोनों सुरीले हैं ये, या फिर कल तक ले जाते। इसको टॉपिक टू बी कंटिन्यूड होता है जनाब इंग्लिश में, वो वाला कर लो, वो वाला कर लो। खैर बहुत आला यार, बहुत खूबसूरत। और मुझे अब यकीन करें बड़ा वो होता है कि एक वो जो कौन सा आपने एक इवेंट का नाम लिया था जो सुरशक्सर, क्या नाम था उसका, सुर क्षेत्र, उस टाइप का एक पाकिस्तान में होना चाहिए। नहीं बिल्कुल होना चाहिए, जितना टैलेंट है मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे आसपास भी लोग बैठे हुए जो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन यह है कि अगर हमें एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मेरा ख्याल है हम भी बता सकते हैं कि वी आर पाकिस्तानी। तो बस यही है कि रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू हम आगे जा सकें और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। और हमारे पास जिस हद तक ये प्लेटफॉर्म है, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं इस टीवी के थ्रू और इस सोनी धरती के थ्रू, लेकिन और लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो वीडियो आपने किया है जी, पहला जो वीडियो था, कितना बजट होगा, सिर्फ बजट बताएंगे, वीडियो में कितना बजट होता है यार, लड़कों को बड़ा मसला ही है कि शायद जिसने मेरा वीडियो किया था वो सुन ही ना रहा हो और ये ना हो कि मैं लाहौर पहुंची तो वो जाके मुझे मेरे कान से पकड़ बोले तुमने क्या बोल दिया। लेकिन ऐसा है कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो पे था वो तकरीबन मेरा ख्याल 3 लाख मेरा लग गया था। Good. और उसमें ये है कि वीडियो ठीक बन गया था, लेकिन जो सॉन्ग था, जो उसकी क्वालिटी थी, जो उसका मेयार था, जिस तरह लोगों ने उसको पसंद किया और उसी के थ्रू मेरा इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसके मेयार से थोड़ा सा कम थी। ठीक, अगर उसका मेयार और अच्छा होता वीडियो का तो मेरा ख्याल है इस पर वो गाना मेरा काफ़ी आगे जा सकता था। ठीक, लेकिन खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से। अदनान भाई आपने भी वीडियो किया है, अभी कर रहे हैं बल्कि आप तो भी? हाँ जी, वो अभी प्रोसेस में, अभी प्रोसेस में है। मुश्किलात होती हैं वीडियो के लिए बजट के लिहाज से, और फिर उसके बाद वो वाला इक्विपमेंट जो आपको चाहिए होता है, आजकल तो HD चल रहा है। हाँ जी, और उसके अलावा तो आगे चीज़ पेश ही नहीं की जा सकती। मुश्किलात तो इस उसमें है कि एक तो पाकिस्तान में रश होता है, ठीक है, जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरा किसी पार्क में अगर कपल कुछ सीन शूट करना है तो मेरे पर गेंद लगते हैं, अब देखिए आई ये सीन होता है। मुश्किलात तो जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो हर काम में आ जाती हैं। तो क्या बजट है इस वीडियो का, कर कौन है, डायरेक्टर कौन है इनके, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कराची से एलेक्स जॉन है, ठीक है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। और शूट कहाँ पे हो रहा है? शूट ये इस्लामाबाद में भी होगा, और होगा इस्लामाबाद अभी होगा क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि अभी इन प्रोसेस है। आपकी आई साइड का लगता है सही नहीं है ज़्यादा, ठीक है, आपके सामने बैठे हैं लोग, आपको पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद में शूट हो रहा है ना जी, साढ़े चांस नहीं होना चाहिए, परेशान हो गए होंगे, ये क्या सवाल था। नहीं मैंने इसलिए पूछा कि इस्लामाबाद में हो रहा है तो आपकी नज़र इतनी कमज़ोर तो नहीं है, बड़े लोग ब्लैक पैंट और शर्ट में बैठे होते हैं कहीं ना कहीं, नज़र नहीं आ रहे सर, नज़र नहीं आते, कितने आना है गरीब आदमी, कितने तक नज़र आना है, वो तो नज़र आता जो रक्षे थले आंदा है, बस थले आंदा, फिर एक न्यूज़ चैनल पे पट्टी चलती है, इन्ने बंदे थले आगे मार गए ने। नहीं सर जी, आपके एपिसोड मैं ऑस्ट्रेलिया में देखता हूँ, मैं आपका खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, मोहब्बत है आप नहीं नज़र आते आप। चलें ठीक है, फिर हम इनसे भी पूछेंगे हमें भी किसी इवेंट में क्या किशान जो है वो। हाँ बिल्कुल, आप वहाँ पर आप वॉक भी करना चाहेंगे, अब आप मॉडल भी बनना चाहेंगे, जाहिर है। अब तो वो किधर गया मेरा एक दोस्त, ऊंची एडी वाले जूते पहन के आता है टॉल। अच्छा ये टॉल की क्यों जरूरत होती है कि जी टॉल होना चाहिए, कद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों? क्योंकि हाइट इंसान की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा पार्ट उसमें भी होता है, जितना आप हाइट के साथ हो उतना आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में रुझान बहुत ज़्यादा, मैं आउट ऑफ कंट्री के अगर फैशन शोज देखता हूँ तो उसमें वो इतना मैटर नहीं करते, हमारे लोग बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पर अब मार्केट में हाइट बहुत कम आ रही है ना, शायद इस वजह से लोग कॉन्शियस हो गए। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा वाक्य है कि जिसमें आपने आके सोचा हो कि मैंने अब ये काम नहीं करना, बस हो गया, मैं चेंज करी हूँ प्रोफेशन, क्योंकि इसमें बड़े सारे मिसहैप्स होते हैं, आपकी पेमेंट रुक जाती है, आपसे क्लाइंट खुश नहीं होता है, क्राउड कोई ना कोई हरकत कर देता है, इवेंट खराब हो जाता है, कभी ऐसा मौका आया? हाँ ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ इवेंट से 4-5 दिन पहले, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रक होती हूँ कि बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं करूँगी, लेकिन वो जब हो जाते हैं तो उसके बाद नहीं दोबारा करना है। अच्छा, मतलब उसका जो रिजल्ट होता है उसके बाद दोबारा से होता है कि नहीं इसको कंटिन्यू रखना है। ठीक हो गया, मौसीकी से आपको भी लगाव है? सुनने की हद तक। किसको ज़्यादा सुनती हैं? मैं डिफरेंट मतलब म्यूजिक सुनती हूँ, डिपेंड ऑन म्यूजिक, रॉक या भंगड़ा टाइप,
सारा मतलब वो डिपेंड कर रहा होता है मूड पे, अकेले में पुराने सॉन्ग्स पे। एक कॉलर आपकी जैसे शामिल करूं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक मिनट मोटरसाइकिल लांग जावे जरा बाहर, असि बाहर सेट लाया ना। जी बात कर रहा हूँ। कहाँ से? फैसलाबाद से। कहाँ छुपके कर रहे हो? नहीं जी छुपके नहीं कर रहा। अबे तो फिर ऊंचा बोलो। मैंने समझा शायद रजाई के अंदर से बात कर रहे हो। आप कैसे हो? मैं वैसे ही बिल्कुल है तेरे सामने। थोड़ा जा मेकअप उठाएगा तेरिया चीका निकल जानिया। मैं किस तरह ना वहां है आवाज बहुत सुना रही है आवाज। और मेरी आवाज क्यों कट आ रही है? नहीं भाई जी मैं तो पल्ले खाना, मेरी आवाज तो ठीक आनी चाहिए। नहीं सो आ रही है। अच्छा चले कोई बात नहीं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज हमें ठीक आ रही है। सर मोहब्बत रिपीट में देख लीजिएगा जब लाइट चली जाए। दिन में देखता हूँ आपसे। आपसे मैं कई पिछले दोस्तों से कह रहा हूँ मुझे प्यार दीजिए। नहीं दे रहे। दोबारा फरमाइएगा ये बात नहीं समझ गया। फेसबुक पे मैं आपको पिछले दोस्तों से कह रहा हूँ मुझे आज दीजिए। आप आज फेसबुक सबसे फर्स्ट कॉलर हूँ आपके शो का। ठीक है सरकार मैं बिल्कुल। आप किस नाम से हैं जी पेज पे? ओके फाइन ठीक हो गया। थैंक यू। मैं आज आपको रिप्लाई भी करूँगा। और बड़ी शुक्रिया कि आपने टेलीविजन पे भी मुझे कॉल किया है। एक ब्रेक पे जाना है और उससे पहले जनाब RJ BHAWTI फैन पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर अपने जो ख्वाहिशात हैं और जो फीडबैक है वो दे सकते हैं। कोई 53,000 क्रॉस हो गया। 53,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। बाकी फेक हैं जो 30-32 पेज बने हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं और खूबसूरत आवाज़ें हैं और भी इनसे बहुत कुछ सुनेंगे। नो गो नो वेयर, कीप वॉचिंग, आई विल बी बैक राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हियर वी गो।